योगी के बुलडोजर से कोई माफिया बच नहीं पाएगा। योगी के बुलडोजर के आगे माफियाओं के इरादे पस्त। दो साल में योगी के टारगेट पर 50 माफिया। 50 माफियाओं की 1200 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त। योगी चलाए बुलडोजर, माफिया मांगे माफी। सीएम योगी आदित्यनाथ जो आजकल सीएम नाम से कम बल्कि बुलडोजर बाबा के नाम से ज्यादा जाने जा रहे हैं, भाई जिस तरह से गुंडे माफियाओं की नाक में अपने यंत्र के जरिए दम किए हुए हैं योगी, भला अब उन्हें बुलडोजर बाबा ही तो कहा जाएगा ना। योगी के बुलडोजर से माफिया इतना थर्राते हैं कि बिना देर लगाए सीधा घुटनों पर आ जाते हैं। ये योगी के बुलडोजर की ही गरज है जो उत्तर प्रदेश के अलावा बाहर राज्यों तक भी सुनाई दे रही है। जब योगी के बुलडोजर की धमक ऐसी है तो अब योगी ने माफियाओं पर शिकंजा कसने का अपना एक टारगेट भी फिक्स कर लिया है। अगले 2 साल में अपराधियों की आर्थिक साम्राज्य पर पुलिस की कार्रवाई और तेज होने वाली है। यूपी पुलिस ने अगले 2 साल में माफियाओं की 1200 करोड़ की संपत्ति जब्तीकरण का लक्ष्य रखा है। पिछले 5 साल में यूपी पुलिस अब तक 2000 करोड़ से माफियाओं की संपत्तियों का शक्तिकरण कर चुकी है। योगी के पहले कार्यकाल में 25 गैंगस्टर पर बुलडोजर चला था। मुख्तार अंसारी गाजीपुर, अतीक अहमद प्रयागराज, ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह वाराणसी, ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव लखनऊ, मुनीर बिजनौर, खान मुबारक अम्बेडकर नगर, अमित कसाना गाजियाबाद, आकाश जाट शामली, ऊधम सिंह और योगेश भदौड़ा मेरठ, अजीत उर्फ हप्पू बागपत, सुशील उर्फ मूच और संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा मुजफ्फरनगर, सुंदर भाटी उर्फ नेताजी और अनिल भाटी गौतम बुद्ध नगर, अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर, सिंहराज भाटी गौतम बुद्ध नगर, अंकित गुज्जर गौतम बुद्ध नगर, सुभाष सिंह ठाकुर वाराणसी, ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह आजमगढ़, भूमेश राय उर्फ गौरा राय गाजीपुर, त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन कुमार लखनऊ, मोहम्मद सलीम लखनऊ, मोहम्मद सोहराब मोहम्मद रोस्तम लखनऊ। इन माफियाओं के 700 अधिक सदस्य और सहयोगियों पर 286 मामले दर्ज किए गए, 327 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, 102 माफियाओं पर गुंडा एक्ट लगा, 286 पर गैंगस्टर एक्ट लगा और 7 लोगों पर NSA तक लगाया गया। कहा 5 साल में योगी ने 25 माफियाओं के इरादे अपने पहले कार्यकाल में ध्वस्त किए थे, अब योगी ने टारगेट फिक्स किया है 2 साल में 50 माफियाओं की बादशाहत को खत्म करने का, 50 माफियाओं के मंसूबे को तहस नहस कर देने का। योगी सरकार ने तय किया है कि माफियाओं के खिलाफ होने वाली कार्रवाई की शासन स्तर पर हर हफ्ते समीक्षा की जाएगी। इन माफियाओं के खिलाफ कोर्ट में चल रहे लंबे मामलों में भी सजा कराने का लक्ष्य रखा गया है। अन्य विभागों की तरह योगी की पुलिस ने अपने 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए शराब माफिया, पशु तस्कर, वन माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया आदि को चिन्हित कर 500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य रखा है। इस टारगेट को समय के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। जैसे शुरुआत में 500 करोड़ की संपत्ति जब्त होने के बाद अगले 6 महीने का टारगेट बढ़ाकर 800 करोड़ कर दिया गया है। राज्य के अपर मुख्य सचिव कानून अवनीश कुमार के मुताबिक राज्य में माफिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम ने ये सख्त निर्देश दिया है कि निर्दोष और कमजोर के खिलाफ कार्रवाई ना हो। अवनीश अवस्थी तक ने तो ये भी बताया कि सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि सभी पुलिस अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में 100 दिन तक प्रतिदिन 1 घंटे पैदल गश्त करें। जिन शहरों में बड़े मंदिर हैं वहां साफ सफाई और पीने के पानी की भी व्यवस्था का ध्यान रखने का आदेश सीएम योगी की तरफ से दिया गया है। तो इस कार्यकाल में मान लिया जाए कि ना योगी शांति से बैठेंगे और ना बैठने देंगे। जो कोई भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब करने के बारे में सोचेगा भी सीएम योगी उन सभी के इरादे को चकनाचूर कर देने का मद्दा रखते हैं। वैसे आप सीएम योगी की कार्यशैली से कितने प्रभावित हैं? योगी के इस अंदाज को देखकर आपको कैसा लगता है? क्या आप योगी के दूसरी बार फिर सत्ता पर बैठने से प्रदेश में खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? आप हमें बताएं कि पहले की सरकारों में और योगी की सरकार में आपको क्या अंतर नजर आता है।
क्या अच्छाइयां हैं योगी सरकार की और क्या बुराइयां हैं जिन पर योगी सरकार को काम करना चाहिए, इन सब पर आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।